मुझे होली से थोड़ा सा डर लगता है. अच्छा. कलर वलर आई फील की वो स्किन पे एलर्जी वैलर्जी होता है तो आई डोंट सेलिब्रेट होली लाइक दैट. गाइस वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो. और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने साउंड सिस्टम के लिए. कई दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई तो यार तुम्हें आवाज थोड़ी सी अजीब सी लगेगी. थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी ज्यादा भी अजीब सी लग सकती है. तो यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लियो. गले वाले मेरे हारमोनियम को धूल मिट्टी हटाने में 2000 वीडियो का टाइम लगेगा. खैर इस साल की होली हमें जो सतरंगी मीमीज देकर गई है. आइए देखते हैं मजा. आकाशवाणी के आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक वीडियो के साथ जिसमें एक बालक ने मच्छी बाजार में मिलने वाले एक वेजिटेरियन नशीले खाद्य पदार्थ को हड्डी समेत खा ली जिसके बाद उसके दिमाग में दस्त लग गए. मेरी तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं. जैसे कि आपको पता ही होगा आजादी के इस अवसर पर हमें इस रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से खुशी से मनाना चाहिए. यही नहीं अभी और सुनिए. और घरों में दीपक जलाकर लाल दुलाल लगाकर होली मनानी चाहिए. होली के इस पावन अवसर पे साल के 364 दिन जो स्किल एक्वायर की जाती है स्पेशली थ्रोएबल आइटम्स की जो स्किल एक्वायर करते हैं नाना प्रकार के क्रियाकलापों में लिप्त हो गए उसके बाद यही वो दिन है जब वो प्रैक्टिस काम आती है. और मजे की बात ये स्लो मोशन में दिखा रखा है इन्होंने. ये होते गोप्रो लगा के होली खेलने के फायदे. सही पकड़े हैं. अगर होली की बात हो रही है तो पानी की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता. अब हर बार गोले के इस साइड हमारी साइड कुछ ऐसे लोग हैं जो होली पे जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी बढ़ती वैसे वैसे अपने बिल से बाहर निकल के आते हैं और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं कि बस पानी बचाओ पानी बचाओ. आज तो पानी बचा ही लेना है. भाई इस बार सन्नाटा है. इनकी पानी बचाने वाली इस ज्ञान वाणी को एक बालक ने सीरियसली ले लिया. क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल. गाना सुन के मेरे को बच्चन साहब की याद आ गई और बच्चन साहब को कुछ और याद आ रहा है. पछतावा दुख पीड़ा अफसोस वेदना. स्पेशल थैंक्स टू कैमरामैन. होली के दिन नाना प्रकार के विचित्र से कुछ पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है. इसी उपलक्ष में एक बालिका ने पता नहीं कौन सा शिकंजी पी लिया. उसे होली के दौरे आने स्टार्ट हो गए. इसने शिकंजी पी रखा है. चलो इसके तो दौरे समझ में आते हैं. लेकिन इस देवी जी ने पता नहीं कौन सा पान चबा रखा है. मैडम को फिलर कैप नहीं मिल रही. ये बीमारी तो बहुत ही खतरनाक है भाई. अब हम होली एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई होली एंजॉय कर रहा है ना. ऐसा नहीं होता है. कुछ ऐसे जीवधारी प्राणी भी होते हैं जिनमें पिछले जन्म के कुछ फीचर रह जाते हैं. उन्हें रंगों से होली खेलने में दिक्कत आती है. अब जब ऐसे तल्लीन होके होली खेलोगे तो घर पे स्वागत कैसे होगा. एक ने अपने भाई की घर वापसी की वीडियो बना के डाल दी. एक
एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारा डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। पहले यहाँ वालों को शौक रहता था कि बाहर जाएं, आज भी बहुतों को आग लगी रहती है कि बस इंग्लैंड में बस जाए तो अच्छा हो। अंग्रेजनियां भाग भाग के इधर आ रही हैं भाई। आप बात कर रहे हैं बेटा, इंस्टाग्राम जैसे ही तुम खोलोगे तो पेटीएम गर्लस ने क्या कोहराम मचा रखा है। अब यहाँ वाली कम नहीं पड़ रही थी, फिरंगी भी यहाँ आने लगी भाई। ऐसी एक जानी मानी पेटीएम गर्ल ने यहाँ उतरी तो कि एक नमूना पकड़ लिया और उसके साथ उसने होली की पोस्ट कर दी भाई। फोटो कमेंट सेक्शन तुम्हें पता ही है। गुलाब भी देखते ही तो दौड़े चले आते हैं। पब्लिक ने कमेंट सेक्शन में क्या उस बालक की ली है फिर, तौबा तौबा तौबा। पहला कमेंट तुम्हें एक ही पढ़ के सुना रहा हूं मैं। घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। मोबाइल से नजर हटाओ और सामने जो चीज है उसका नाम कमेंट में बताओ। बुबरेमोन।